डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में वैरेगनन थ्योरम पर आधारित एक पॉलीनोमियल को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर दिए हुए चित्र में दिखाए गए बलों का बिंदु P पर परिणामी बल व परिणामी की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिणामी की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम वैरेगनन थ्योरम का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो वैरेगनन थ्योरम वीडियो नंबर 1 में, ये वीडियो पार्ट 1 या वीडियो वैरेगनन थ्योरम विद प्रूफ करके थंबनेल दे रखा है, उसमें पहले आप वैरेगनन थ्योरम को देख लें और उसके तहत उसके बाद एक और वैरेगनन थ्योरम पर क्वेश्चन कराया था उसको आप कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसको वैरेगनन थ्योरम में। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फोर्स लगे हुए हैं, 500 न्यूटन का फोर्स ये इधर, 150 न्यूटन का ये, 200 न्यूटन का ये, कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है। 18 मीटर की डिस्टेंस ये है, 18 मीटर की, 18 मीटर की है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो फोर्स सिस्टम है इसको हम इक्विलिब्रियम में मानते हैं, कि ये मानते हैं कि फोर्स सिस्टम हमारे पास साम्यावस्था में है। तो साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में है तो हम यहाँ पर सिग्मा एक्स बराबर जीरो, सिग्मा वाई बराबर जीरो निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर जीरो के हिसाब से इसका परिणामी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की मदद से हम चूंकि रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट परिणामी बल निकालने का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, परिणामी आर बराबर हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, है ना, ये होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यहां पर हम सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये फोर्स इधर लग रहा है, एक की डायरेक्शन ये है, तो इनको अगर हम पॉजिटिव मान लें, इधर आने वाले को नेगेटिव मान लें, किसी एक को अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मान लें, तब भी ये चलेगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर जो 500 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, इधर जाने वाले हम क्या है निगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो हमने 500 न्यूटन के फोर्स को निगेटिव मान लिया। ठीक है, और माइनस 150, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये राइट टू लेफ्ट है, और लेफ्ट टू राइट ये पॉजिटिव मान लिया 200 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिग्मा एक्स को निकालेंगे और सिग्मा एक्स जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 450 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, सिग्मा बाई बराबर जीरो, यहाँ बाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए बाई बराबर हमारे पास जीरो हो जाएगा, और ये सिग्मा एक्स सिग्मा बाई के मान आर वाली समीकरण में हम लगा देंगे। ठीक है, आर वाली में जब लगाएंगे तो हमें परिणामी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर आर बराबर निकाल लेते हैं, आर बराबर, ठीक है, माइनस 450 का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये 450 ही मिलेगा, 450 न्यूटन, ये हमने प्रणामी निकाल लिया, प्लस हो जाएगा, ये आर आ गया हमारे पास, प्रणामी आर की दिशा, प्रणामी आर की दिशा निकालते हैं। ठीक है, तो दिशा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, बाई की वैल्यू क्या है जीरो, और एक्स की माइनस 450 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, है ना। तो हम यहां से निकालेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स, ठीक है, जीरो बराबर जीरो, टेन जीरो का मान जीरो। ठीक है, तो यहां से हमने थीटा बराबर जीरो निकाल दिया, है ना, इससे हमें ये पता लग गया अब कि जो हमारे पास परिणामी है ना, ये पैरेलल फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल पैरेलल, तो परिणामी जो आएगा वो भी पैरेलल ही होगा, उसकी पोजीशन कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन ये हमने निकाल लिया कि एक्स अक्ष से जीरो अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, जो परिणामी आने वाला है, परिणामी देखिए इस तरह से होगा, है ना, ये एक्स वाई है, तो परिणामी जो होगा वो एक्स अक्ष पर होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स अक्ष पर होगा इस तरह से, है ना। अब उस परिणामी की डायरेक्शन इधर है या इधर है ये हमको बताना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो हम निकालेंगे वैरेगनन थ्योरम से। तो वैरेगनन थ्योरम के आधार पर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास जो परिणामी है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और उसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो क्लियर हो जाएगा। तो वैरेगनन थ्योरम का यूज करेंगे किसी बिंदु पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हम यहाँ पर निकाल लेंगे,
ठीक है। तो हमने परिणामी तो निकाल लिया बिंदु पी पर, परिणामी हमारे पास आ गया है ना, बिंदु पी पर हमने निकाला 450 न्यूटन। अब बाय यूजिंग वेरेग्नन थ्योरम हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग वेरेग्नन, ठीक है, वेरेग्नन थ्योरम। तो वेरेग्नन थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक है, वेरेग्नन थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, वेरेग्नन थ्योरम ये कहती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, प्रणामी बल का अगर मूवमेंट निकालें, रिजल्ट है इनका मूवमेंट, और वो बिंदु पी के अबाउट अगर हम निकालें, तो वो हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ जितने भी बल हैं उन सभी बलों का बिंदु पी के सहिता आघूर्ण बराबर होगा मूवमेंट जो हम निकाले हैं अबाउट पॉइंट ओ ऑफ रिलेटेड फोर्स, ठीक है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट पी, टोटल जितने भी फोर्स है उन सबका मूवमेंट बिंदु पी के अबाउट और उन सबका रिलेटेड सम, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं बिंदु पी के प्रत्यागमन निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास जो है हमने कह दिया कि हमारे पास अगर एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट आएगा उसको हम प्लस मानेंगे और क्लॉक वाइज के लिए माइनस मानेंगे, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, डायरेक्शन हमने मान ली, ठीक है। अब सबसे पहले 50 न्यूटन के बल का मूवमेंट निकालना बिंदु पी के पड़ता, तो यहां पर 50 न्यूटन का बल बिंदु पी से ही गुजर रहा है, यानी 50 न्यूटन के बल की लाइन ऑफ एक्शन, यानी बल की क्रिया रेखा, 500 न्यूटन के बल की क्रिया रेखा बिंदु पी से गुजरने के कारण यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी जीरो होने के कारण मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे 500 × 0, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए किसी इस बल की ले लो, 200 न्यूटन का बल है, अब 200 न्यूटन का जो बल है इन सबको अभी आप भूल जाओ, सिर्फ ये मानो कि बिंदु मेरे पास पी यहाँ पर है और 200 न्यूटन का बल कुछ इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से है ना ये, और लंबा दूरी ये है 18 है ना, 18 मीटर है। तो अब ये जो बल है, बल इस बिंदु पी के पड़ता इस तरह से डायरेक्शन में घूमेगा, हमने बताया था ऐसे इस डायरेक्शन में घूमेगा है ना, और ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉक वाइज है, इसलिए मूवमेंट कितना आएगा, प्लस में आएगा। और मूवमेंट कैसे निकालते हैं, 200 न्यूटन का फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, 200 न्यूटन का बल ये है, बल की क्रिया रेखा पर बिंदु पी से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी है 18 है ना, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक वाइज होने के कारण हमने इसको प्लस ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 150 न्यूटन का बल है, बिंदु पी के पर का मूवमेंट निकालना है, तो ये देखिए इसको कैसे घुमाएगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसलिए क्या आएगा माइनस का, तो माइनस काम कितना लेंगे 150 और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से पी से लेकर यहाँ तक 18 18 36, ठीक है, 36 ये दूरी हो जाएगी, तो ये हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 36 हमारे पास डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जीरो हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1800 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब यह है कि जो हमारे पास मूवमेंट आया है सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणित ये जो बिंदु पी के पड़ता है वो माइनस में आ रहा है, माइनस ये इंडिकेट करता है कि आपके पास जो मूवमेंट है वो कैसा रहा है क्लॉक वाइज है ना, सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणित योग बिंदु पी के पड़ता क्लॉक वाइज आ रहा है, माइनस का मतलब यह है कि क्लॉक वाइज, जब सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणित योग क्लॉक वाइज आ रहा है तो सभी बलों के परिणामी का आघूर्ण बिंदु पी के पड़ता वही आएगा जो सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणित योग आ रहा है, इसका मतलब क्लॉक वाइज ही परिणामी बल जो है वो क्लॉक वाइज ही मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा इस फोर्स सिस्टम के लिए, अगर क्लॉक वाइज प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब यह है कि इधर वाला जो है वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। परिणामी बल हमारे पास कितना आया था, परिणामी बल हमारे पास था 450, तो परिणामी को हम यहां लिख दे रहे हैं 450, ठीक है, और गुणे डी, डिस्टेंस हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि परिणामी बल हमारे पास कहीं भी है, ठीक है, और वो परिणामी बल बिंदु पी से डी दूरी पर स्थित है, ये डी तो हमको फाइंड आउट करना, वेरेग्नन थ्योरम हमको डी फाइंड आउट करने में मदद करती है कि डी कहाँ है और डी का मूवमेंट
किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो डी का मूवमेंट जो हमारे पास सभी बलों का मूवमेंट होगा वही डायरेक्शन इसकी होगी, ठीक है। ये भी न्यूटन मीटर में होगा, ये भी न्यूटन मीटर में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, माइनस से माइनस, और डी का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास होगा 1800 बटे 450, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर डायग्राम में हम इसको दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास पी है ना, देखिए भाई आपके पास ये जो है, मैं इसी को बना रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। बिंदु पी हमारे पास कुछ ऐसे था, ठीक है, ये हमारे पास बिंदु पी जो है वो दे रखा है यहाँ पर बिंदु पी है ना। तो बिंदु पी से 4 मीटर की दूरी पर है ना, ये 18 है, ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा बिंदु पी से 4 मीटर की दूरी पर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर। अब देखिए ये जो मेरे पास प्राणी है इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो मूवमेंट कैसा प्रोड्यूस करे, मूवमेंट कैसा प्रोड्यूस करे भाई, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि बिंदु पी के लिए, ठीक है, बिंदु पी के लिए ये क्या रिजल्ट है, परिणामी की डायरेक्शन हमने निकाली और उसकी लोकेशन बिंदु पी से, देखिए बिंदु पी मेरे पास कुछ ऐसे है और ये परिणामी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, परिणामी कितना है, 450 है। तो अब ये देखिए अगर ऐसे जाएगा तो ये कैसे होगा, क्लॉक वाइज होगा, है ना। तो क्लॉक वाइज ही होनी चाहिए परिणामी की डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए जो भी मूवमेंट है, जो भी फोर्स है, उन सभी बलों का मूवमेंट हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालेंगे और उन सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे, तो जो मूवमेंट निकल के आएगा है ना, तो हमारे पास माइनस में आ रहा था ये जो वैल्यू आ रही थी। तो प्रणामी बल का भी मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट इन सबका मूवमेंट निकाला था तो वो सेम होगा, ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी फोर्स सिस्टम में 4 बल लग रहे हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट निकालें और उन सभी 4 बलों का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालें और उन सब का एल्जेब्रिक सम करें, और एल्जेब्रिक सम अगर पॉजिटिव आता है या निगेटिव, इट मीन्स अगर क्लॉक वाइज आता है एंटी क्लॉक वाइज, तो सभी बलों का परिणामी बल जो होगा उसका भी मूवमेंट उसी बिंदु के पड़ता वही रहेगा जो सभी बलों के अलग अलग यानी जोड़ने पर जो सभी बलों के मूवमेंट जो निकल के आ रहा है, एल्जेब्रिक सम आ रहा है, अगर वो क्लॉक वाइज है तो प्रणामी का मूवमेंट भी उसी बिंदु के पड़ता क्लॉक वाइज होगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज होगा। तो इस तरह से हम बैरगनन थ्योरम का यूज करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।